अक्सर हम कार दो तरीकों से खरीदते हैं, शोरूम से नई कार या किसी दोस्त या डीलर के थ्रू पुरानी कार। जब पुरानी कार होती है तो हम अपना फैसला काफी थोक बजाकर करते हैं। इस जांच पड़ताल में हम कार का पेंट जो है वो नाखून से खुरचकर डेंट की पड़ताल करते हैं, या फिर कार की सीट, पहियों, सस्पेंशन से लेकर इंजन तक सब छान डालते हैं, एक एक चीज की बारीकी से जांच करते हैं। लेकिन जब हम नई कार खरीदते हैं तो आंख बंद करके शोरूम के जो डीलर्स होते हैं उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन कई बार हमारी इसी असावधानी के कारण नई कार भी हमारे सिर का दर्द बन जाती है। इस तरह नई कार लेते समय भी हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पॉइंट जिन पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिन्हें हमें कार का चयन करते समय और उसकी डिलीवरी लेते समय ध्यान में रखना होता है। तकनीकी भाषा में इसे प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी PDI कहा जाता है। आमतौर पर कार कंपनियां शोरूम से कार की डिलीवरी के टाइम पर प्रोसेस अपनाती है। डीलर जब कार का इंस्पेक्शन कर लेता है तब वह कार पर PDI बैज लगा देता है। इसका मतलब होता है कि कार डिलीवरी के लिए तैयार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कार डीलर्स को पहले से ही पता होता है कि कार में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, और अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए डिलीवरी से पहले वो इसे कस्टमर से छिपा सकते हैं। लेकिन ये जरूरी होगा कि आप भी अपनी ओर से PDI का प्रोसेस अपनाएं। PDI में कार के इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन और सभी फीचर्स को चेक किया जाता है। PDI करने से पता चल सकता है कि कार में कोई दिक्कत है या नहीं। डीलर अगर PDI करने से रोकता है तो समझ जाइए कि कार में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ऐसी कार लेने से आप साफ इनकार कर सकते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की। तो कार के चारों ओर घूमकर देखें कि उसमें कोई स्क्रैच या डेंट तो नहीं है। खासकर बंपर और कार के किनारों पर जरूर ध्यान दें। अक्सर ये होता है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान इन्हीं हिस्से में चोट पहुंचती है। छोटे मोटे स्क्रैच को छुपाने के लिए डीलर कार को पॉलिश कर देते हैं, लेकिन एक दो बार की वॉशिंग के बाद ये स्क्रैच दिखने लगते हैं। इसके साथ ही आप कार की पूरी बॉडी पर हाथ फेर कर जरूर देख लें। इससे डेंट या स्क्रैच होगा तो आपको आपके हाथ से छूने से पता चल जाएगा। इसके अलावा आप टायर, रिम, अलॉय और डोर्स को भी बारीकी से चेक कर सकते हैं। अब आते हैं इंटीरियर पर। कई बार कार को टेस्ट ड्राइव व्हीकल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसे ड्राई क्लीन करके चमका दिया जाता है। इसके लिए आप फ्लोर की मैट या सीट के नीचे चेक करें, कहीं कारपेट में नमी या कोई गंदगी तो नहीं है। कार के सभी स्विच की जांच कर लें, ये देख लें कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अब जो बारी आती है वो है इंजन, ऑडोमीटर और फ्यूल चेक करने की। तो इसके लिए कार का बोनट खोलें और इसमें फ्लूइड लेवल्स की जांच करें। इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड और विंड स्क्रीन वॉशिंग फ्लूइड भरा होना चाहिए। इंजन स्टार्ट करें और थोड़ी देर चालू रहने दें। नई कार की ऑडोमीटर रीडिंग 30 से 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर रीडिंग 30 और 50 किलोमीटर से ज्यादा है तो आप इस बारे में डीलर से बात करें। शोरूम में डीलर्स जो होते हैं वो ग्राहकों को 5 लीटर कॉम्प्लीमेंट्री फ्यूल देते हैं। फ्यूल लेवल चेक करें और देखें कि नजदीकी फ्यूल स्टेशन तक पहुंचने जितना फ्यूल है या नहीं। कार की जांच करने के बाद कार के डॉक्यूमेंट जरूर चेक कर लें। कई बार देखा जाता है कि जो मॉडल कम बिकते हैं उन्हें भी डीलर्स नया बताकर बेच देते हैं। इसके लिए डीलर से फॉर्म 22 लेकर जरूर चेक कर लें। फॉर्म 22 क्या होता है? इसमें कार का इंजन नंबर, चेजिस नंबर और कार मैन्युफैक्चरिंग के महीने और साल की जानकारी आपको मिल जाती है। इसके अलावा मेक ईयर इसके इंजन पर भी अंकित होता है। ये भी चेक करें कि कार का व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंजन नंबर और चेजिस नंबर डीलर द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट से मेल खाता है या नहीं। तो इस तरह से आप पुरानी कार लें या नई कार लें, दोनों में जांच पड़ताल जरूरी है।